इन्हें तो चप्पल पसंद नहीं है, डाल के देख रही हूँ। अभी अम्मी ने सामान ले लिया भर भर के, आज अपनी शॉपिंग कर ली। आज यहाँ पे वुमेन्स डे है ना गाइस, नानी ने मंगाई है जलेबी और मम्मी खा रही है यहाँ पे बैठी। गुलाब जामुन नहीं दिखाई आ रही है माशाल्लाह। मैं मंगा। सो गाइस यहाँ पे खाना लग चुका है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं। मैंने वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, तो गाइस शॉपिंग पे किस लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाइस आने वाली है, मतलब हमारी आपे की वेडिंग आ रही है, मतलब बहुत ही दूर के रिलेटिव में आती हैं। मेरे को यार पता नहीं है, मम्मी से पूछ के बताऊंगी। अभी मम्मी के पास चलेंगे ना, तो मम्मी आप लोगों को मतलब एक पूरे विस्तार में समझा दें किसकी कैसे है और क्या है। मतलब ददिहाल में शादी आ रही तब बताओ, और आप ही की बिल्कुल अब करेक्ट एग्जैक्ट नहीं पता कि वो किसके क्या है, तो मम्मी बताएंगी। खैर तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, और अब फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं कि घर के अंदर क्या हो रहा है। मतलब मैं यार थोड़ा सा लेट उठी हूँ, तो इस चीज़ को प्लीज़ कॉमेंट में मत बोलना कि मतलब नमाज का टाइम हो रहा है और आपका नाश्ता हो रहा है। तो गाइज मैंने अभी जस्ट नाश्ता बनने के लिए रख दिया हमारा, और मम्मी पढ़ रही नमाज, अर्शी पढ़ रही नमाज, वो स्कूल से आई है जस्ट अभी, और मैं सो कर के उठी हूँ। मतलब अभी नहीं उठी, देखो थोड़ी देर हो गई है मेरे को। तो अब चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइज नाश्ता लग चुका है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैंने चाय बनाई थी, और फैन ये रहे, और ये केक रस्क, और ये अम्मी पहले तो सबसे पहले बता दो अब किसकी शादी। भाई मैं भूल गई, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता ना एकदम, ये तो पता ही है तुम्हारी फुप्पी है, पापा की खाला की बेटी है, मोदी नगर जाना है, फुप्पी की शादी है। अच्छा अच्छा, तो गाइज आप लोगों ने सुन लिया, मोदी नगर जाना है, फुप्पी की बेटी की शादी है हमारी आपे की, इट मींस है ना। अबे तू रिश्ते जोड़ना कब सीखेगी पापा। अच्छा, मतलब खाला है हमारी फुप्पी है और इनकी बेटी की शादी, दादी की बहन की बेटी की शादी है, दादी की बहन की बेटी की, ऐसा ही है क्या? अब यार हमारी फुप्पो की शादी है, बस इतना याद रखो, बस ऐसे याद रखो कि फुप्पो की शादी है, मतलब फुप्पो की बेटी। मुझे मजा आता है ऐसे शादी, ऐसे सबको। गाइस अब नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये जस्ट अब ड्रेस बदलने के लिए जा रही, अच्छी नहीं लग रही आप। तो गाइस आप लोगों से मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, और फिर कपड़े वगैरह भी चेंज करने, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए हमारे साथ ब्लॉग में गाइस, सबको कंफ्यूज किया, लड़की के श्रृंगार खत्म नहीं हो रहे। गाइस आ गई अब बालकनी पे, गाइस आज मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ, तो मैंने सोचा की आज इसे दिखा दूँ। और अपने कपड़े देखो, ये गाइस कहाँ छोड़ करके आई है, मैं इनके कपड़े दिखाती हूँ गाइस। ये अच्छा मैंने गाइस अभी किचन के स्लीपर के कपड़े पड़े हुए थे। सो गाइस आप सब लोग, हाँ हाँ बेइज्जती होने से बचा ली तुमने। और ये देखो मटक रही है गाइस, ये लड़की बाज नहीं आएंगी। और अभी भी इनका मेकअप होना रहता है गाइस, तो आप सब लोग देख सकते हैं गाइस मैं रेडी हो गई हूँ फटाफट से, मुझे अपने शूज पहनने हैं बस, और मम्मा भी रेडी हो गई हैं, आप लोगों ने देखा ही अर्शी के काम करती फिर रही है। और अब हम लोग निकलते हैं बाहर की तरफ, मतलब निकलते हैं क्या, मतलब निकलते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से बाहर की तरफ। तब तक के लिए बने रहो हमारे साथ ब्लॉग में गाइस, स्टे ट्यून। शॉप पे, क्योंकि मेरे पास कॉलेज का बैग नहीं था, तो मैंने ये वाला ग्रे वाला बैग ले लिया यहाँ से, हाँ ये वाला पैक कर दो। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज थे, लाइक 200-200 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बैग है, मेरे को एक पसंद आया तो मैंने वाला एक ले लिया है। यहाँ पे 30-30 रुपीज के इयर रिंग्स थे, मैंने यहाँ से लिए हैं। भैया थोड़े से दिखा देना, हम थोड़े से शो कर दो। एक ही वाले लिए मैंने, और भैया के हाथ में, और हाँ चलो मैं घर जाके दिखा दूँ। यहाँ पे 100 रुपीज की सेल भी लग रही थी, आप सब लोग देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर है, और ये ब्रेसलेट्स और नेकलेस और भी हैं यहाँ पे काफी सारे। तो मतलब यहाँ पे गर्ली शॉप में बहुत अच्छी वैरायटीज है गाइस। गाइस की शॉप पे आ गई,
इन्हें तो चप्पल पसंद नहीं है, डाल के देख रही हूँ। तू तो सब रिवील कर देती है वैसे। लड़की कहीं बाज नहीं आती, अब इसने ले ली यहाँ पे भेलपूरी। ये हमारे से शॉपिंग करने थोड़ी है, खाने पीने आई है। अच्छा जो भी है, चल पापड़ी ली है तो चलो गए, तो चलते हैं आगे। अरे मम्मी यहाँ पे दे रही प्लास्टिक वाली बॉटल, ये ले लेते हैं मेरे लिए भी। हाँ ले लो ले लो, वैसे मेरे पास खत्म हो रखी है, ठंड में तो प्लास्टिक वाली काम आएंगे। गाइस स्टील वाली तो मेरे पे पड़ी हुई, प्लास्टिक वाली नहीं है ना बहन। ये बताना भैया, दो डिलीवर स्लीपर्स देखे, दोनों में साइज नहीं था नसीब, देख रहे हो गाइस मेरा। बहन अबे यार बस कर, कितना खाई जा रही है, मैं अपना दुख जाहिर कर रही हूँ यहाँ पे। चलते हैं देखते हैं यहाँ पे कपड़े वपड़े कुछ पसंद आता है। हमने तीन दुकानों पे क्या पटरियों पे कपड़े देखे, उन पर भी हमें वो कपड़े भी समझ नहीं आए हमें, क्या करें, हमारा नसीब इतना खराब है आज का। सैंतालीस के कपड़े थे, वो एक नंबर ओल्ड फैशन। चलते आगे की तरफ, मिलते हैं आप लोगों से। अम्मी ने सामान ले लिया भर भर के, आज ही अपनी शॉपिंग कर ली। आज यहाँ पे वुमेन्स डे है ना गाइस, पता है ना गाइस, वुमेन्स मार्केट्स वाला डे। अम्मी जरा सा चलती नहीं, बार बार रुक जाती है, चाल लेने के लिए फिर से रुक गई। तो सामान नहीं है, अरे यार ये तो वैसे भी कपड़ों में गंदा अंदा करते हैं, क्यों ले रही हूँ उसे। भैया जो हमारे घर के पास भी बाजार लगाते हैं, अम्मी ने बोला मैं इनसे लेती हूँ, इनसे मारे दोबारा से ले लेती हूँ, खत्म हो रहे तो इनकी दुकान नहीं मिल गई। भाई देख सकते हैं आप लोग कितने रंग के अचार हैं, कम से कम होंगे 191, सॉरी 191 क्या होता है, 99। तो कैसे मैं चाल लेके चलते आगे। मम्मी आ गई ट्रे की शॉप पे, इन पे प्लेट ट्रे देख रही है मम्मी नाश्ते के लिए। अम्मी को ये पसंद आ रही है ग्रीन वाली ट्रे, तो अच्छी है गाइस। वहीं से हम लेके गए थे पहले भी, मजबूत थी ट्रे। कशिश ये वहाँ पे स्वीट कॉर्न खरीदने के लिए गई है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्वीट कॉर्न लवर्स ये यहाँ भी चाल हो गई छपरन, मुझे कहती है चाउमीन चाउमीन करके। छह पन्निया अभी छह यार, दूर भी तो जाना है। वो तो दिखेगी भी नहीं यहाँ पे। सुबह ये अंकल ग्लव्स व्लव्स पहन के खूब बढ़िया तरीके से कशिश को स्वीट कॉर्न बना के देंगे, मक्खन मक्खन डाल के। हमें ले चुकी हैं ट्रे और प्लेट है, और ये आ गई यहाँ पे स्वीट कॉर्न लेके। मेरे लिए भी लिए क्या? हाँ, मम्मा तेरा टेंपल ले। पाँच रुपए है, चिल्लड़ मांग रही है, 5 रुपए वापस दे जाइए। गाइज खा लो स्वीट कॉर्न। तो गाइज हम लोग मार्केट से निकल करके आ गए थे, और आ गए थे क्या भाई चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं गाइज नानी के घर। ये अर्शी हमारे पीछे चल रही गाइज, तो ये हम कहाँ गए गाइज हम आप लोगों को बता देते। तो गाइज हम लोग आए मम्मी की खाला के घर, यानी हमारी नानी के घर। अब चलते हैं उनसे मिलवाते हैं, आप लोग मिले हुए हो गाइज उनसे, अब चलते हैं उनके घर पर डायरेक्ट। चलो मम्मा चढ़ो ना ऊपर। तो गाइज ये सामान हमारे हाथ में, बदनसीबी भी बताते हैं हमारी आपको। लोग आ चुके थे नानी के घर पर, नानी मम्मी को पिला रही कुल्हड़ वाली चाय। चाय की शक्ल तो दिखा रही थी, इतनी अच्छे से ला के देती नानी ने, मलाई वलाई डाल करके अच्छे से। तो ये रही बैठी हुई नानी। हेलो नानी। हाय। आप लोगों ने इनको देखा हुआ होगा गाइस, मोस्टली व्लॉग्स में नानी है। तो नानी ने लगाए थे ये क्या है, क्या था वो, गुआवा जिसे बोलते हैं, अमरूद, और ये कुछ बिस्किट्स हैं। तो गाइस मैं तो अभी बाहर से स्वीट कॉर्न वगैरह सब खा करके आई हूँ, तो इन लोगों को। अरे नानी कैसी बात कर रहे हो, अभी चलते हैं आपको। तो गाइज इनको नाश्ता करने दो, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज हम मार्केट में लेने तो कपड़े आए थे, हमने कुछ एक्सेसरीज लिए हैं वो अभी शो करते हैं, क्योंकि कपड़े तो मिले नहीं हमारे, मतलब के बहुत पुराने पुराने ओल्ड फैशन के कपड़े थे वहाँ पे। ये कोई और सी भाषा बोलते हैं गाइज, इसकी बात आप लोगों को मुझे लगता है समझ नहीं आई होगी, तो मैं बता बड़े आराम से बड़े तसल्ली से बोलती हूँ, मैं हर बात समझ आती हूँ। तसल्ली और तहजीब में भी फर्क होता है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग मार्केट से शॉपिंग करने गए, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही रही थी। तो मार्केट के अंदर वही ओल्ड फैशन चल रहा था, पर हम हमेशा चाहते हैं कि हम लोग यूनिक दिखे,
तो मतलब ऐसा कुछ अच्छा से नहीं दिखा यार, वही लहंगे और वही चमक दमक सा, हमें कुछ यूनिक चाहिए था थोड़ा सा वेस्टर्न, थोड़ा सा शरारे 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 हर जगह बस शरारे शरारे। तो गाइस अब हम लोगों ने जो लिया है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं, और अब तो एक नया डिजाइन आ गया बच्चों के, एक तरीके से अनसक्सेसफुल रही वाला। हाँ फिलहाल शॉपिंग तो अनसक्सेसफुल रही, अब आप लोगों को जो एक्सेसरीज वगैरह लिया और थोड़ा सा घर का वगैरह वगैरह का वो हम आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलो बहन दिखा दो। मैं शराबी नहीं मुझको बोतल गाओ गाओ बहन। वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूँ, मैं शराबी बॉटल है इसमें दोनों। सो गाइस ये बॉटल्स ली थी अम्मी ने, तीन में दो ही बताए थे हमने, तीन ले ली। पांच ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, पांच है क्या? हाँ दो अंदर भी हैं, पांच। अच्छा अच्छा ठीक है ना, मैं कह रही हूँ बाहर तो दो ही है ना। पांच ली थी, बताया तो ये पांच है जो भी थी यार। और ये डब्बे डबोली, और ये अम्मी ने ये भी ले लिया, ये हमारे फ्रेंच फ्राइज हम चम्मचों से निकाल रहे थे वो अब आ गया। अब ये प्लेटें ली थी, और ये मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक बैग लिया था, ये सूट लिया, और ये अम्मी ने अपनी शॉपिंग कर ली। इन्होंने गाइस शॉपिंग हम करने गए थे, शॉपिंग अम्मी करके आ रही हैं। और ये उमरान का लोवर जो हम दिखाया था लूटो 150 150, इसको डेली यूज के खराब हो रखे थे। और हमने इयररिंग्स लिए बहन, दिखा दो जरा से इयररिंग्स। सो गाइस ये वाले कुछ इयररिंग्स लिए थे हमने, बहुत ही सुंदर डिजाइन के थे गाइस वहाँ पे, मतलब 130 बोल रही हूँ, 30 रुपए में ये इयररिंग्स, मुझे तो बहुत ही पसंद आया भाई। लाल क्वार्टर में यही चीज है, 100 200 300 से कम की नहीं मिलती, और यहाँ पे मतलब काफी रीजनेबल प्राइस में, तो हमने छोड़े नहीं। और बस यही कुछ सामान लिया था, हमारी शॉपिंग तो ऐसी रही है। नानी ने मंगाई है जलेबियां, और मम्मी खा रही है यहाँ पे बैठी। गुलाब जामुन नहीं दिखाएगी? अच्छा ठीक है ना, ये देखो गाइस मेरे लिए भी गुलाब जामुन है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार आए, भूखी समझते है गाइस मुझे भूखी। सो गाइस यहाँ पे पापा भी आ चुके हैं, और यहाँ पे चल रही है नाना नानी, मतलब मेरे नाना नानी मम्मी की नाना नानी के टाइम की बातें, उनके फोटोज देखे जा रहे हैं, और अर्षी वहाँ पे सोई पड़ी है। गाइस पापा हाय तो कर दो आप, कितने दिनों बाद आप व्लॉग में आए हो। हेलो गाइस कैसे हो गाइस, पहचान करी जा रही है गाइस फोटोज के अंदर। तो गाइस अब पापा आ चुके हैं, और मामा गए रोटी लेने के लिए, और शायद आ गए, और अब भाई बहुत तो अब आप लोगों से मिलते हैं खाना खाने के टाइम पे। ये मुसाफिर हो गए नाना आ चुके हैं, तो गाइस अब आप लोगों से मिलते हैं खाना खाने के टाइम पे, और दिखाते हैं नानी क्या बनाया है। नानी ने मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टू और बिरयानी बना रही है, तो भाई बहुत भूख लग रही है, फटाफट खाना लगने दो, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तब तक बाय। सो गाइज यहाँ पे खाना लग चुका है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था नानी ने बिरयानी बनाई है, और ये स्टू अच्छा चिकन लेग पीस गाइज ये पापा कर रहे हैं। तो गाइज मम्मी बात कर रही है आप ही से, और ये अर्षी खा रही है बिरयानी, और मुझे चाहिए गाइज सालन तो निकालते अपना, और ये मामा से आप लोग नहीं मिलते गाइज, अभी खाना खा रहे हैं, इंट्रोडक्शन बाद में दे देंगे, तो परेशान नहीं करते। हाँ निकालते हूँ, चले गाइज अपना खाना निकालते फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस यहाँ पापा के लिए शाही टुकड़ा आ गया है, घर में तो अपने कर लेते हैं, कहीं जाने आने में करना नहीं चाहिए। और यहाँ पे ही रायता खा रही है। सो गाइस पापा ने यहाँ पे निकलवा लिए मलाई, अम्मी की मलाई भाई मेरे और पापा पे यही सीन है, मलाई गायब बड़ी पसंद है। मेहनती मामा गाइस श्वेत नाम है, श्वेत मामा हाथ डालो, हेलो कर दो गाइस, हेलो। चलो अब जल्दी खड़े हो जाओ गाइस, बहुत टाइम हो गया, इस सामान को उठा लो। सो गाइस ये सब लोग उतर गए नीचे की तरफ, और बाय बाय नानी जा रहे हैं, अब आ जाना है ना घर पे, अल्लाह हाफिज। ठीक है अल्लाह हाफिज, चलिए गाइस अब नीचे उतरते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यस गाइस घर जा रहे हैं अब गाइस, फाइनली गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं, सब लोग दिख सकते हैं, अब फटाफट थोड़ा सा रेस्ट। हेलो ब्रो। सो गाइज हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि हम घर पे आ गए थे, और घर पे आने के बाद नानी ने उमरान के लिए पैक करी थी बिरयानी और चावल, चावल खा रहे हो। और गाइज अर्षी अपना मुंह छुपा रही है, क्या करें शक्ल इतनी बेकार। फोन नीचे रखो बहन, आवाज नहीं आओगी तुम फिर हरकत से। सो गाइज काम से काम रखा कर। सो गाइज अब हम लोग इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बहन बदतमीजी मत कर, गुस्सा आ जाता है मेरे को गाइस।
सो गाइस मैंने अपने कपड़े नहीं लिए, मैं भाई बहुत ज्यादा मतलब मेरे को पसंद नहीं है, बहुत ही वियर्ड और वाहियात किस्म के कैसे वो चमक दमक वाले कपड़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वियर्ड होती। अबे चल यार, तेरे से यहाँ तेरी एडवाइस कोई नहीं पूछ रहा कैसा चाहिए कैसा नहीं। हाँ ये तो गाइस अब हम इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। हेलो व्हाट्स अप गाइस, हम लोग आ गए दोबारा से इस व्लॉग। अरे वो क्लिप हमसे बंद हो गई थी तो हम गाइस ये बता रहे थे और ये अपने बताने लग गई थी ना कैसा लगा चाहिए कैसा नहीं। रिश्ते नहीं भेज रहा तुम्हारा कोई, आ भी जाएंगे फिलहाल चुप करो। तो गाइस हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत बहुत पसंद आया होगा, और पसंद नहीं आया तो मेरे व्लॉग को पसंद करना सीख लो गाइस क्योंकि आप लोगों को देखना मुझे जब सब्सक्राइब कर रखा है। चुप। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ढेर सारे कमेंट्स कर देना, कमेंट्स में अपना बेस्ट पार्ट बताना, और जो गलती वलती लगती हो आप लोगों को वो बता देना, उसमें भी सुधार ले आएंगे, कोई बात नहीं है पर बताना जरूर। तो कमेंट करना मत भूलना और शेयर कर देना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का, बाय बाय।